हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस लेक्चर में अब हम आज क्या करने वाले हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स की जो इंटीग्रल थ्योरम थी वो करी थी, कॉशीज थ्योरम, है ना। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि कोई भी अगर आपका फंक्शन है वो किसी क्लोज्ड डोमेन में, क्या है, क्लोज कंटूर में, अगर वो एनालिटिक होता था किसी क्लोज कंटूर में, उसके लिए कंडीशन थी कंटूर क्या होना चाहिए, क्लोज, तो क्या होता था, तो सी एफ जेड डी जेड 0 होता था। अगर वो उस कंटूर में क्या है, एनालिटिक है, तो हमें ये बेसिकली चेक करना था। इसका प्रूफ डिटेल में हमने किया था, तो अगर आपको वो करना हो तो कॉशीज थ्योरम को डिटेल में एक बार आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की लेक्चर में हमने क्या करना है, आज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसको हम कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इवेल्यूएट द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, ये दे रखा है। अब आपके पास बेसिकली ये फंक्शन है, ठीक है, और हमने ये देखा कि जो हमें कंटूर दे रखा है, जो हमें कर्व दे रखा है, वो कर्व क्या है, क्लोज कर्व है। दैट मीन्स वी कैन अप्लाई कॉशी थ्योरम ऑन दिस। अब कॉशी थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा एफ जेड है, दिस शुड बी एनालिटिक। एनालिटिक चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये डिफाइन हो। सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे वो हम ऐसे चेक करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है, थ्री जेड प्लस 5 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z, इसको आप साइड में कर लीजिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, साइड में कर लेंगे इस पार्ट को। ये है, इसको हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, ये जेड इंटू जेड प्लस 2 के इक्वल है ना। कॉमन ले लिया। इसके बाद वी कैन राइट इट एज, अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, ए बाय जेड बी बाय जेड प्लस 2, दिस इम्प्लाइज यू विल गेट 3z+5 इज इक्वल टू ए जेड प्लस 2+BZ। मीन्स हम पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सेपरेट कर लेंगे, फिर हमें एक्चुअल में हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ताकि हम इस इंटीग्रल को अलग अलग करके सॉल्व कर पाएँ, जो हमारे क्वेश्चन को सिंपल बना देगा, है ना। सो ये है ए जेड प्लस 2+BZ, हेयर वी विल गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 और 2a इक्वल टू 5। पार्शियल फ्रैक्शन सबने किया हुआ है ना, तो ये बेसिक है बहुत ही। तो ए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 5/2, ए की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो इससे हमें बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। सो हमें ये ए और बी की वैल्यू मिल गई है। ओके, सो आर आई कैन बी रिटन एस, यहाँ हम कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताइए, आई हो जाएगा, ए है पहले, है ना, 3z+5/this इज इक्वल टू दिस। सो ए क्या है, 5/2z प्लस बी क्या है, बी है आपका 1/2z+2, ये हो गया डी जेड। अब हम इस इंटीग्रल को सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रल ऑफ सी 5/2z dz प्लस, इस 5/2 को भी बाहर ले लेंगे, सी 1/z+2 dz। इसको हम बोल देते हैं I1, इसको हम बोल देते हैं I2। ओके, अब हम देखते हैं हमारा एक्चुअल में कर्व क्या है, ठीक है। कर्व है हमारा सी जेड इज इक्वल टू 1, ये एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं अपना, बहुत ही सिंपल है। सी जेड इक्वल टू 1 क्या सर्कल है, ये सर्कल है ना, आयोटा माइनस आयोटा होता है ये, तो ये हो गया 1, पूरा यहाँ तक 1 तक, ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है। अब यहाँ देखो, दोनों पॉइंट्स देख लो, ये जो -2 पॉइंट है वो यहाँ पे है ना, तो माइनस, ये तो सर्कल के अंदर क्या है, -2 तो है ही नहीं सर्कल के अंदर, क्या है सर्कल के अंदर, 0 सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब दिस इंटीग्रल I1, ये तो सर्कल के अंदर एनालिटिक नहीं है। अब एक हमारा एफ जेड ये हो गया, एक एफ जेड ये हो गया, ठीक है। अब I1 को देखें, तो I1 के ऊपर वी कैन नॉट अप्लाई कॉशी थ्योरम। सो लिख लीजिए, वी कैन नॉट अप्लाई
कॉशिस थ्योरम ऑन आई वन एस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इनसाइड सी. तो फंक्शन आई वन जो है ना वो सी के अंदर एनालिटिक नहीं है. ठीक है, तो बताओ. अच्छा, आई वन की वैल्यू फिर क्या होगी? आई वन इंटीग्रल क्या है? आई वन इंटीग्रल है 1/z, है ना, 5/2 1/z dz. इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था. लेक्चर जब हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो लेक्चर 2 में शायद हमने ये क्वेश्चन किया था. हमने z रेस टू पावर n का इंटीग्रल पूरा सॉल्व किया था. तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि व्हेन n जब -1 होता है ना तो इसकी वैल्यू होती है 2πi. व्हेन n इज इक्वल टू -1, है ना, तो मतलब 1/z अगर होगा तो जो जहाँ पे जो कंटूर था वो कंटूर क्या था? कोई भी क्लोज सर्कल हो सकता है, कोई भी क्लोज कर्व, है ना, सर्कल. वेयर जो कर्व था वो क्या था? कोई भी सर्कल था. तो उसकी वैल्यू थी 2πi, जीरो थी जब n कुछ भी n नॉट इक्वल टू -1. तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 5/2 इंटू 2πi. इसकी वैल्यू है इंटीग्रल की, तो ये हमारी आ गई 5πi वैल्यू. ठीक है, अब आई वन की वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास. आई वन का सॉल्व कर लिया हमने. आई वन के ऊपर कॉशी थ्योरम अप्लाई हो नहीं रही थी, दैट फिर हमने कैसे किया इसका इंटीग्रल? इस वाले फॉर्मूला से कर लिया. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा आई टू क्या होगा. आई टू क्या है? आई टू है 1/2 क्लोज कर 1/z प्लस 2dz. अब -2 पे ये डिफाइन नहीं है, है ना, दिस जो ये है -2 पे डिफाइन नहीं है, बाकी सब पे तो ये डिफाइन है, एनालिटिक है ना. That means inside this curve, this function is analytic. If this function is analytic inside this curve, अगर कोई function, Cauchy theorem क्या कहती है कि fz अगर किसी closed curve में analytic है तो क्या होता है? उस function की value fz dz क्या होता है? Zero होता है. तो इसका मतलब इसकी value क्या हो जाएगी? Zero हो जाएगी. ठीक है, अब ये हमारा i किसके इक्वल है? i1 प्लस i2 के इक्वल. सो i क्या आ जाएगा? i1 क्या है? 5πi. i2 क्या है? 0. तो दोनों की वैल्यू आ गई और i आ गया आपका 5πi. सो ये हो गया आपका आंसर. सो यहाँ पे लिख दोगे दिस इज इक्वल टू 0 बाय कॉशीज थ्योरम. तो ऐसे हम कॉशीज थ्योरम को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कर्व देखेंगे. सबसे पहले ये देखो कि कर्व क्लोज होना चाहिए. कर्व क्लोज होने के बाद फंक्शन देखेंगे. फंक्शन को अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो वो फ्रैक्शन करके सेपरेट करेंगे और फिर इजीली चेक कर लेंगे कि कौन से पार्ट पे कॉशी सीरम अप्लाई हो रही है, उसका आंसर जीरो नहीं हो रही तो कोई और मेथड से, है ना, या तो सिंपल इंटीग्रेशन, वो भी मैंने आपको सिखाया कि सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करनी है. तो किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. सो आई होप आपको लेक्चर ये क्वेश्चन ये समझ आ गया है. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए इफ पॉसिबल. और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, मॉडर्न एलजेब्रा की और ऑर्डिनरी की आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी. तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आई नीड योर सपोर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.